बॉलीवुड एक्टर और खतरों के खिलाड़ी अक्षय कुमार इन दिनों काफी चर्चाओं में हैं। हाल ही में अक्षय कुमार तंबाकू का ऐड करके बुरे फंस गए थे। तंबाकू के विज्ञापन को लेकर अक्षय कुमार को यूजर्स ने काफी ट्रोल किया और अब अक्षय कुमार अपनी फिल्म के पोस्टर को लेकर सोशल मीडिया पर फिर से ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल अक्षय कुमार ने अपनी अपकमिंग फिल्म राम सेतु का पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु के इस पोस्टर में अक्षय कुमार के साथ जैकलिन फर्नांडिस और को स्टार सत्यदेव हैं। फिल्म के पोस्टर में अक्षय कुमार अपने हाथ में जलती हुई मसाल पकड़े हुए दिख रहे हैं, तो वहीं जैकलिन ने अपने हाथ में टॉर्च पकड़ी हुई है। पोस्टर को देखकर लगता है कि वो लोग किसी चीज की तलाश कर रहे हैं। पोस्टर में तीनों किरदार इंस्टेंट लुक देते हुए दिख रहे हैं। पोस्टर जैसे ही सोशल मीडिया पर शेयर किया गया वैसे ही वायरल होने लगा और ट्रोलर्स की नज़र में आ गया। ट्रोल्स को अक्षय कुमार के इस पोस्टर से आपत्ति हो गई। लोगों को इस पोस्टर का लॉजिक ही समझ नहीं आ रहा है। राम सेतु के पोस्टर को देखने के बाद ट्रोलर्स ने अक्षय कुमार को ट्रोल करना शुरू कर दिया। इस पोस्टर को KRK ने शेयर करते हुए लिखा, अगर उनके पास टॉर्च है तो वो देखने के लिए मशाल क्यों जला रहे हैं, ये एक मजाक है। ये इस बात का सबूत है कि बॉलीवुड फिल्म निर्माता कितने बड़े बेवकूफ हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस पर बहुत सारे मीम्स भी बन रहे हैं। इस पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा, जब आपके घर में बिजली नहीं है लेकिन आपके पड़ोसियों की जगह रोशन है। दूसरे ने लिखा, क्या मशाल सिर्फ दिखावे के लिए है। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, यही फर्क है बॉलीवुड फिल्मों में और साउथ की फिल्मों में। वहीं एक यूजर का कहना है कि जैकलिन के पास बैटरी से ऑपरेट होने वाला टॉर्च है तब भी अक्षय मशाल लेकर चल रहे हैं। ये तस्वीरें डायरेक्शन की बारीकियों को बताती है। आपको बता दें कि इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ जैकलिन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा नजर आ रही हैं। फिल्म राम सेतु भगवान राम पर बनी है। अक्षय कुमार की आगामी फिल्म राम सेतु इस साल दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। राम सेतु के अलावा अक्षय कुमार फिल्म पृथ्वीराज में भी दिखेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।